Hello dear friends, my name is सोनी कुमारी एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल इंटेंसिव स्टडी। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 7 की एनसीईआरटी की मैथ्स कर रहे हैं, हम चैप्टर 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 3 इज डेटा हैंडलिंग। सो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स, ए 14, 16, 10, 10, बी 0, 8, 6, 4, सी 8, 11, डिड नॉट प्ले 13। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज फाइंड द मीन टू डिटरमिन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। फर्स्ट पार्ट में मीन स्कोर ऑफ ए निकालना है, यानी ए का मीन स्कोर क्या आया है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस यानी जो उसके स्कोर्स हैं, यहाँ पर ए के स्कोर्स 14 है, फिर गेम 2 में 16 है, प्लस गेम 3 में 10 है, और प्लस गेम 4 में उसके स्कोर्स 10 है, और इसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सो 1, 2, 3, 4 नंबर कितने हैं, 4। जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 50, और इसे डिवाइड करना है 4 से, 50 डिवाइडेड बाय 4। तो डिवाइड कर लेते हैं 4 को 50 से, 4 वन 4, 1 आया, ये 0 लिखेंगे, 4 2 8, 10 माइनस 8 इज 2, यहाँ पर पॉइंट लिखूंगी और 2 के साथ 0 लिखूंगी, 4 5 होता है 20, ये पूरा डिवाइड हो गया, आंसर क्या आया 12.5। सो मीन स्कोर ऑफ ए इज 12.5। सेकेंड वन इज टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4, व्हाई। सो इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है सी का मीन स्कोर निकालने के लिए। देखिए सी ने कहा क्या क्या गेम खेला है, गेम 1 खेला है, गेम 2 खेला है, गेम 3 नहीं खेला है, और गेम 4 खेला है। तो हमसे ये पूछा गया है कि सी का मीन स्कोर निकालने के लिए आप इसे 4 से डिवाइड करोगे या 3 से डिवाइड करोगे, और ऐसा क्यों करोगे। तो देखिए मीन कैसे निकलता है, मीन हमने अभी फाइंड किया, मीन निकलता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि सबसे पहले तो इसने जो स्कोर्स लिए हैं उन स्कोर्स को आप ऐड कीजिए, और जितनी बार लिए हैं, जितने गेम्स खेले हैं, उस हिसाब से डिवाइड कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि सी ने सिर्फ 3 ही गेम खेले हैं, गेम 3 उसने नहीं खेला है, तो इसलिए आप इसके टोटल को 3 से डिवाइड करेंगे ना कि 4 से। ए ने सारे गेम्स खेले हैं, 4 के 4 गेम्स खेले हैं, इसीलिए मैंने ए के स्कोर्स को 4 से डिवाइड किया था, लेकिन सी ने सिर्फ 3 ही गेम खेले हैं, 3rd गेम तो उसने खेला ही नहीं, तो इसीलिए हम सी का मीन स्कोर फाइंड करने के लिए स्कोर्स को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पर 3 आएगा। तो मैं आंसर लिख सकती हूँ, वी विल फाइंड द मीन स्कोर ऑफ सी बाय डिवाइडिंग द डेटा और बाय डिवाइडिंग द पॉइंट्स बाय 3। हम सी का मीन फाइंड करने के लिए इसके पॉइंट्स को 3 से डिवाइड करेंगे।